रंगर पाथरी में साष्टांग प्रणाम करके पूरी निष्ठा और सत्यता से काम करने का प्रण लिया। शिवसागर को हेरिटेज सिटी के रूप में मान्यता दिलवाने की प्राथमिकता के साथ ही शिवसागर को विश्व ऐतिहासिक क्षेत्र के रूप में मान्यता दिलाने का प्रयास करने के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करने का वादा किया गया। शिवसगर बाकी मरम मरम उम पाए मैं कान्दी दिसो मैं गाड़ी जैसे आही आसो जैसे भटिया पारर पर शिवसगर बाकी मरम पाइसो शिलहाकुर पर आसलते नामदांग शिलहाकुर पर जैसे मरम पाइसो एने लगे मैं आसलते जेल आसो जेल थकोते जेल जिकुआ अवस्था मैं उपलब्धि ना शिवसगर बाकी मूल कि बेसि मरम पे जैसे भटियापारर ऊर पालोहि नामदांग शिलहाकुर पालो भटियापारा पालो शिवसगर बाकी मरम देखी मैं आसलते एतिया मैं कि कम मोर शब्द ना अभिभूत शब्दे नुजुरेगे मोक एने चकुर पानी ऊल् गई से मैं अपना एजन सांबादिक मोर बहि आई देखि से मैं चकु लुटुकी शिवसगर बाकी ये मरम कारण मैं शिवसगर बाकी ऊर सेवा जानसो मैं गोटे शिवसगर बाकी ऊर सेवा जानसो और शिवसगर बाकी मैं कब खुजी जो आपनलोके आपनलोकर दायित्व पालन करिले शिवसगर बाकीये मोक भोट दी शिवसगर बाकीये मोक भोट दी जेलर पर उलिया आनिले गोटिके शिवसगर बाकीर आधा कामना पूरण हल एतिया बाकी आधा काम तो करार दायित्व मोर शिवसग मुख्यमंत्री समस्त जिमान उन्नयन है शिवसगर समस्त सीमान उन्नयन हम लगे और कोनोबा डिपार्टमेंट कोनोबा मंत्री जो यार उन्नयन बाधा प्रदान करे तेतियाले तार विरुद्धे मैं केनेकुवा धरणर व्यवस्था ग्रहण करिम आपोनालोके सेइ अभूतपूर्व व्यवस्था देखिबोले पाबो। प्रथम कथा मैं अहा 13 तारिखर दिना 13 जुलाई तारिखर दिना मैं विधानसभा एटा प्रस्ताव मेम्बार्स आवार्स बुली एटा आमार एटा विशेष हितान आछे जो स्पेशियल प्रस्ताव उत्थापन करिब पारि तात मैं प्रथम प्रस्ताव तो उत्थापन करिब खुजिछो जे भारत अहोमर जे आर्कियोलॉजी एक्ट आछे हे एक्टर अधीनत अहोमक प्रथमते अहोम सरकारे स्टेट हेरिटेज सिटी शिवसगरक प्रथमते। अखिल गोगोई के विधायक निर्वाचित होने के 2 महीने बाद शिवसागर विधानसभा क्षेत्र में अपना कदम रखा गया। शिवसागर पहुंचने के बाद ही विधायक महोदय का उनके समर्थकों और विधानसभा के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। विगत 1.5 वर्ष से जेल में बंद शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई द्वारा विगत विधानसभा चुनाव में जेल से ही चुनाव लड़ा गया था और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की सुरभि राजकुमारी को करीबन 12,000 मतों से हराकर विजय प्राप्त की थी। कल एनआईए अदालत द्वारा उन्हें सभी आरोपों से मुक्त करने के बाद आज वे शिवसागर पहुंचे। शिवसागर से पवन अग्रवाल की रिपोर्ट, लाइटोज लाइव।